नाम की एक महिला है, वो बर्तन मासी थी। अमेरिका के 100 गांव 100 में उसका नाम लिया जाता है, बर्तन मासी थी। वो बोलती थी देखना एक दिन मेरा लाइफ चेंज होगा, एक दिन देखना मेरा लाइफ चेंज होगा। बर्तन मासते मासते उसको चेहरा कैसा गोरा करने का, चेहरा कैसा क्लीन करने का ये टेक्निक उसको पता चल गया, और उसने बम्बल बी का सिंबल लेकर कंपनी का नाम रखा मेरी के एश। ऐसा उसने ब्यूटी पार्लर चालू किया, ब्यूटी सलून का प्रोडक्ट बनाना चालू किया। ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट बनाते बनाते वो बहुत फेमस हो गई, तो लोग बोलने लगे ये क्या है वो भाई, तुम ये बम्बल बी भावरा क्यों रखा है तुमने, ये भावरा नहीं लगाने का, भावरा वो अच्छा नहीं है, भावरा एक बार कान में चले जाता तो दूसरे कान से बाहर आता है, वो ये पैर में चला जाता तो दूसरे पैर से बाहर आता है, भावरा क्यों रखा। तब उन्होंने बताया क्या है बम्बल बी की खासियत, क्या है बम्बल बी, बम्बल बी देखा है ना, भावरा काला रंग का होता है, हवा जाते रहता है, हाँ पूरे से पूरा रस ले लेता है। उसने बताया भले वो काला है, भले वो मोटा है, लेकिन उसकी खासियत है, उसकी खासियत क्या मालूम है, ये वीडियो में आपको पता चलेगा। उसकी खासियत है भौरा एरोडायनामिक इंजीनियरिंग के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, मास्टर लोग के हिसाब से उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका बॉडी बड़ा है, पंख छोटा है, पंख है ना देखा ना छोटा पंख होता है। एक्चुअली एरोडायनामिक साइंस क्या होता है सर, जो एरोप्लेन का जो लोग साइंस का था, जिस APJ अब्दुल कलाम साहब ने जो पढ़ाई किया था, एरोडायनामिक साइंस बोलता है भौरा उड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अच्छी बात है बच्चे को ये बात नहीं पता है, नहीं तो कल से वो बोलेगा बम्बल भी आई तो मास्टर बोलता था माला, मास्टर ने सांगितलं तुम्ही लोग उड़ू शकत नहीं, आता उद्यापासून मी उड़ना नहीं, आता उद्यापासून मी मुंगी सारखा इथे तिथे लपणार। अच्छी बात है उसको नहीं पता, अच्छी बात है साइंस नहीं पता है, अच्छी बात है बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, अच्छी बात ये बच्चे को पता है क्या, मैं नहीं कर सकता, समाज क्या बोलेगा, तुमने कैसे कर दिया। उसकी बहन रो रही है और उसकी बहन को उसने चुप करा, देखा कैसे सर कंटिन्यूस करेंगे एक बार।